हम के आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है और रियल गैसेस में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जो कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, तो वो आइडियल गैसेस के केस में क्या होती है उनकी वैल्यू, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है इस लेक्चर में। तो आइडियल गैसेस आपकी कौन सी हैं, जो कि आपके इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इक्वेशन ऑफ स्टेट में मैंने आपको बताया था कि जैसे डिपेंड करता है आपकी कोई भी एक इक्वेशन या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जो कि आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो उन इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। दैट मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कि आपके किस में डिफाइन होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इन सब वैल्यूज़ के या इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के बीच में कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट हम पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं तो आइडियल गैसेज के लिए, तो वो क्या हो सकती है, तो वो इक्वेशन आपकी रहेगी पी वी इक्वल्स स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इन टू कैपिटल एम इंटू आर इंटू टी, जहाँ पे स्मॉल एम बाई कैपिटल एम है वो यूनिट आपकी कहलाती है स्मॉल एम। अब स्मॉल एम क्या है, यहाँ पे स्मॉल एम है मॉलिकुलर मास। जो भी आप प्रॉपर्टी सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे गैस है अपना, तो जो भी गैस होगी उसका मॉलिकुलर मास कितना है उसे हम किससे डिफाइन करेंगे, स्मॉल एम से। और कैपिटल एम है आपका पर केजी ऑफ मॉल, यानी कि पर मॉल आपका उसका कितना मास रहेगा। ये स्मॉल एम तो आपका टोटल मास और कैपिटल एम आपका क्या हो गया, पर मॉल, एक मॉल के लिए उसका क्या मास है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो वो जो यूनिट होती है वो कहलाती है नंबर ऑफ मॉल्स, यानी कि स्मॉल एन से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉल्स यानी कि कितने मॉल इसके अंदर अवेलेबल हैं। टोटल मॉल्स का मास आ गया अपना एम, एक जो आपका मॉल है पर मॉल उसका मास आ गया आपका कैपिटल एम, तो अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉल्स हमारे पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मॉल्स इस गैस में अवेलेबल है, तो उसे हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे और स्मॉल से एन से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एज इट इज। यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन है कैपिटल एम इंटू आर, कैपिटल एम इंटू आर जो फंक्शन है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं आर यू, जो सबस्क्रिप्ट यू है छोटे में यू लिखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। जो सिंपल आर लिखा हुआ होता है वो आपका होता है स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट, और जो आर यू लिखा हुआ है वो है आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आर यू की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन एम, और इसे हम डिफाइन करते हैं किलो जूल पर किलो मोल इंटू केल्विन, या अगर सिर्फ जूल में डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी यूनिट हो सकती है आपकी जूल पर मोल केल्विन, और इसकी जो वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की वो रहेगी आपकी 8.314, और यूनिट आपको आपको पता ही है जूल पर मोल केल्विन या फिर किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। अगर आप किलो जूल में ले रहे हो तो किलो मोल में भी लेंगे, और अगर आप मोल में ले रहे हो सिंपली तो फिर आप इसे जूल में भी ले सकते हैं। तो दोनों यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिर्फ आपने किलो का डिफरेंस किया है दोनों तरफ ऊपर और नीचे, तो उससे कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये हमारी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की सर हम यहाँ पे पी वी इक्वल्स स्मॉल एन आर यू, जो कि आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, इंटू टी टेम्परेचर। अब हमारी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आई है आइडियल गैस के लिए, तो हम इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं वो हमें मानने पड़ते हैं, क्योंकि आइडियल है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। अब वो अजम्पशंस क्या हैं और किस तरह से हम उन अजम्पशंस को लेते हैं, कौन सी थ्योरीज हैं जो हमें अज्यूम करनी होती हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा है, तो वो अजम्पशंस हमें यहाँ पे डिफाइन करने होंगे कि जब भी हमने कोई इक्वेशन ली है और अगर वहाँ पे अजम्पशंस हैं तो हमें उनको क्लेरिफाई करना होता है कि ये अजम्पशंस हमने यहाँ पे अज्यूम किए थे। तो द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वेयर द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड। कौन कौन से अजम्पशंस हैं, फर्स्ट द मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स इनके बीच में कोई भी ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या बाइंड करता है।
दैट मीन्स दीज मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो ये पहली चीज़ है, यहाँ पे कोई भी फोर्सेज अप्लाई नहीं हो रहे, इंटर मॉलिक्यूलर कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो वो चीज़ें हम अज्यूम करते हैं आइडियल केसेस। सेकेंड, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज क्वाइट नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो आप कि मॉलिक्यूल खुद कोई भी वॉल्यूम है वो कंज्यूम नहीं करता, दैट मीन्स ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। अगर हम किसी भी एक बड़े रूम में पर्टिकुलर हमारी जो आइडियल गैस है अगर हम उसको रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस कितना है, तो स्पेस है टोटल वो जो रूम है जहाँ पे आपने उस गैस को रखा है, तो उसके लिए वहाँ पे वो पूरा का पूरा स्पेस उसका कंप्लीट वॉल्यूम है जहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर सकते हैं। दैट मीन्स देयर अवेलेबिलिटी ऑफ देयर मोशन, कि कहाँ तक वो कितना अवेलेबल है मोशन के लिए, कितना स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे वो ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल रहेगा उसका कोई भी वॉल्यूम हम वहाँ पे अज्यूम नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि उसने जितना मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो टोटल वॉल्यूम से बहुत ही छोटा पार्ट है, और बहुत छोटा पार्ट है इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को, दोनों को, अजम्पशंस को लेके चलना होता है कि जब भी हम ये इक्वेशंस अगर ले रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे हमने इंटरमोलिकुलर बॉन्ड या फिर फोर्सेज हैं उनको नेग्लेक्ट किया, एंड सेकेंड आपका जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो हमने वहाँ पे नेग्लेक्ट किया, कि पर्टिकुलर आपके मॉलिक्यूल का कोई भी वॉल्यूम नहीं है, उसका मास है पर मोल है, मास पर मोल हो गया, और बट उसका अगर हम टोटल वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम वहाँ पे उसका कुछ भी नहीं होगा, तो जो कि नेग्लिजिबल है। देन वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इसे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि U जो है वो आपका क्या होगा, U इक्वल्स फंक्शन ऑफ U, किसका, T का। तो U इज ए फंक्शन ऑफ T, तो जिसे हम इससे डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल U इक्वल्स U इन द ब्रैकेट ऑफ T, दैट मीन्स आपका जो भी इसकी इक्वेशन बनती है U की वो इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि अगर यहाँ पे आपके प्रेशर में और वॉल्यूम में कोई चेंजेस होगा तो उसका आपकी इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्वेशन फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल पी एट टेम्परेचर, जो कि आपका कॉन्स्टेंट है, इक्वल्स जीरो होगा, एंड डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी आल्सो जीरो, क्योंकि यह आपका इंटरनल एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के अलावा चाहे प्रेशर में चेंजेस आए चाहे वॉल्यूम में चेंजेस आए, उन दोनों में चेंज होने की वजह से आपके इंटरनल एनर्जी कंपोनेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर करनी है कि आइडियल गैसेज के केस में हमारी इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली फंक्शन किसका रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर का। देन एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट, एज यू ऑल नो एंथैल्पी को हम डिफाइन किससे करते हैं, स्मॉल एच से, और एच को हम अगर फंक्शन दिखाएं तो एच को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, यू प्लस पी वी, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी एंथैल्पी है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमें पता है कि यू क्या है, सिर्फ आपका टेम्परेचर का फंक्शन, फॉर आइडियल गैसेज यू इज फंक्शन ऑफ टी ओनली, एंड पी वी इक्वल्स क्या है हमारा, एम आर टी, स्मॉल एम आर टी, एंड हैंस एच इक्वल्स क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स एच टी ओनली, क्योंकि पी वी क्या है, एम आर टी, दैट मीन्स वहाँ पे आपका मास है मॉलिक्यूलर मास, आर आपका कॉन्स्टेंट है, और टी आपका टेम्परेचर कॉम्पोनेंट है, तो दैट मीन्स पी वी कॉम्पोनेंट है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड यू जो कॉम्पोनेंट है इंटरनल एनर्जी कॉम्पोनेंट वो भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि आपकी एंथैल्पी जो है वो भी एक टेम्परेचर का ही कॉम्पोनेंट है, फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपकी टेम्परेचर के फॉर्म में है, आपकी यू है वो भी टेम्परेचर के फॉर्म में है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, और पी वी जो है
उसे हमने आपके आइडियल गैस इक्वेशन से डिफाइन किया कि आपका पीवी का जो फंक्शन है वो एमआरटी, दैट मींस वो भी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो एंथैल्पी है वो भी जो कि आपका टी का फंक्शन है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि आपकी एंथैल्पी है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था, तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जिसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, सी वी जो सी है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट, और जो वी यहाँ पे है वो ये डिफाइन करता है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जो भी आपकी हीट ट्रांसफर की गई है वो कहाँ पे है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, पर यूनिट मास ऑफ ए सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। तो स्पेसिफिक हीट का आपको बताया था कि आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री हम रेज करने के लिए जो हीट उसमें देते हैं, तो जो हीट वहाँ पे ट्रांसफर की जाती है, अगर वो प्रोसेस आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वो हीट आपकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और अगर वही प्रोसेस आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वो हीट आपकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो इसे हम सी वी से डिफाइन करेंगे, और अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो सी पी से, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी। तो इन्हीं दोनों को हम इक्वेशन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इनकी वैल्यूज ये भी हमने पहले पढ़ी थी, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो एट वी, और अगर आपके कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर है तो एट कॉन्स्टेंट पी, जो आपका प्रेशर यहाँ पे डिफाइन किया गया तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर एज हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री एंड दैट इज सी पी इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हम इस इक्वेशन को आगे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर ए कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस डी क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि जहाँ पे हमने डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू है वो देखा था। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू जो है आपका वो क्या है, आपका वर्क डन, और वर्क डन को हम डिफाइन किससे करते हैं, पी डी वी से। तो पी डी वी हमारे पास क्या आ गया, आपका फंक्शन आ गया, अलग अलग पी वी यानी कि जो आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम का कॉम्पोनेंट। अगर हम इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं आपके वॉल्यूम के लिए भी और प्रेशर के लिए भी, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी डी यू इक्वल्स पी डी वी प्लस वी डी पी। सिंस डी पी यानी कि प्रेशर आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस लिया हमने यहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो डी पी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। और डी पी अगर कॉम्पोनेंट जीरो है तो आपका वी डी पी कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस पी डी वी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू प्लस पी वी, और यू प्लस पी वी कॉम्पोनेंट है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच, जो कि आपकी एंथैल्पी है। तो इसीलिए ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डी क्यू इक्वल्स डी एच में, और डी क्यू इक्वल्स डी एच है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं सी पी इक्वल्स डेल एच अपॉन डेल टी अपॉन पी। तो ये इक्वेशन भी आपने देखी होगी कि जहाँ पे हम हीट की बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो वहाँ पे हम हीट और आपकी जो एंथैल्पी है उन दोनों को इक्विवेलेंट लेते हैं। हमने पहले भी जो डेरिवेशंस किए थे उनमें इक्वेशन भी यूज की थी कि डी एच इक्वल्स एम सी पी डी टी, एम वहाँ पे मास था, यहाँ पर के जी ऑफ मास के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन है वो यही इक्वेशन आपकी बन के आती है कि आपकी डी एच इक्वल्स क्या हो गया आपका, एम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि एम यहाँ पे वन यूनिट ऑफ मास है, सी पी एंड डी टी जो आपका टेम्परेचर है, और ये प्रोसेस आपका कम्प्लीटली क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो सिर्फ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हेलो सर, हाँ अभी हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारी एंथैल्पी है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम डी टी हाँ तो हमारा नेक्स्ट जो अब आ रहा है आगे रिलेशन वो आ रहा है स्पेसिफिक हीट, हमने डिफाइन कर दी कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो हमारा सी वी है, और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो हमारा सी पी है,
और दोनों टर्म्स में हमने ये ध्यान रखा कि हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जो हीट है उसे हम किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, डी क्यू के टर्म में, और जो सी पी है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं डी एच के टर्म में। ओके, तो अगर हमें एंथैल्पी लेनी होगी तो वहाँ पे हमारी इक्वेशन में सी पी ही आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। बट जहाँ पे हम हीट ले रहे हैं वहाँ पे हमारे पास सी वी आ सकता है, सी वी भी आ सकता है और सी पी भी आ सकता है, दोनों चीज कॉम्पोनेंट आ सकते हैं क्योंकि वो दोनों के आपके हीट के इक्विलेंट हैं। तो अब अगर हम इस रेशियो की बात करते हैं कि अगर दोनों स्पेसिफिक हीट हैं उनका रेशियो है तो वो क्या होगा, इनका दोनों का रेशियो है वो गामा से डिफाइन किया जाता है, और गामा इक्वल्स लिखते हैं सी पी अपॉन सी वी, जो कि आपकी स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इन दोनों के रेशियो को डिफाइन करते हैं, वो वैल्यू है एक कॉन्स्टेंट है गामा और उसकी वैल्यू रहती है 1.67 किसके लिए, मोनो एटोमिक आइडियल गैसेज के लिए, और डाई एटोमिक गैसेज के लिए गामा की वैल्यू रहती है 1.4। तो नॉर्मल जो हम गैस के लिए इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम केसेस में इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 1.4। मोनोएटमिक गैसेस हैं वो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स में नहीं मिलती और उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे यूज़ भी नहीं करनी। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है जहाँ भी आपके पास गामा है अगर उसकी वैल्यू गिवन नहीं है प्रॉब्लम में तो आपको वहाँ पे वैल्यू यूज करनी है, वो है 1.4। ओके, अब हम आगे इसमें देखते हैं रिलेशन कि दैट मीन्स ये तो आपका रेशियो था स्पेसिफिक हीट का, अगर हम रिलेशन की बात करें कि दोनों स्पेसिफिक हीट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों स्पेसिफिक हीट्स हैं उनके बीच में रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एच हमारे फंक्शन है जिसे हम यू प्लस पी वी से डिफाइन करते हैं या डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में डी एच इक्वल्स डी यू प्लस पी डी पी वी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करें तो आपकी क्या हो जाएगी, डी एच इक्वल्स डी यू प्लस डी, जो पी वी है पी वी कॉम्पोनेंट को हमने यहाँ पे किसके लिए लिया, यूनिट मास के लिए, तो यूनिट मास के लिए आर टी, तो वहाँ पे वी पी वी की जगह ये जो फंक्शन है पी वी इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आर टी, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई, डी यू प्लस डी आर टी इक्वल्स डी यू प्लस आर डी टी, क्यों, क्योंकि आर तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा डी टी का, या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी टी, यहाँ पे डी टी हम इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, डिवाइड कर दिया डी एच अपॉन डी टी से, तो ये आपका डी यू है वो भी डी टी से डिवाइड हो जाएगा प्लस आर। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो फंक्शन है डी एच अपॉन डी टी वो क्या है, डी एच अपॉन डी टी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड डी यू अपॉन डी टी ये आपका क्या है, आपकी एनर्जी थी जो कि आपकी इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट थी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो आपकी इसको हम लिख सकते हैं सी पी, और आपका डी यू अपॉन डी टी कॉम्पोनेंट है वो लिखेंगे हम सी वी, तो सी पी इक्वल सी वी प्लस आर, या हम इसे लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर, जो दोनों स्पेसिफिक हीट हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम उन दोनों का डिफरेंस है वो आर के इक्वल है, और आर क्या आपका स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ क्लियर है, आगे हमें दूसरा रिलेशन पता है कि गामा इक्वल्स क्या होता है सी पी अपॉन दो स्पेसिफिक, क्या हो बेटा दो स्पेसिफिक, तो यहाँ पे हमें अब इसके बाद रिलेशन को और अगर सिंप्लीफाई करें यानी कि हमारे पास एक कांस्टेंट है दूसरे हम कांस्टेंट के रूप में अगर इसको डिफाइन करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गामा इक्वल सी पी अपॉन सी वी, ये भी हमने अभी कैलकुलेट किया था, या हम इसको लिख सकते हैं सी पी इक्वल्स आर अपॉन गामा माइनस वन, जो कि आपका सी वी है उसे हम इसमें डिफाइन कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी सी वी की वैल्यू, यहाँ पे अगर आपके पास ये आ रही है आर गामा अपॉन गामा माइनस वन, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अलग अलग वैल्यूज में ये रिलेशन मिल जाएंगे, ये वाला रिलेशन है ये आपका किस में है आर गामा और सी वी में। हाँ बेटा, तो ये आपने देखा यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं जो स्पेसिफिक हीट हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका आर के फॉर्म में रेशियो गामा के फॉर्म में है, और अगर हमारे पास आर और गामा की वैल्यूज हैं तो उन वैल्यूज से हम स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हैं वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है उनके अकॉर्डिंग आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, तो ये रिलेशन है हमारे इसीलिए काम आते हैं कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट है तो उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से हम इन इक्वेशंस को या वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरी वैल्यूज के अंदर।
तो उन वैल्यूज़ का हमें पता रहना चाहिए, उनके बीच में रिलेशन का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उन्हें आराम से इजीली कन्वर्ट कर सकें। अब हमने यहाँ पे आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा था यहाँ तक, अब हम पढ़ते हैं रियल गैसेस के बारे में। कि आइडियल गैसेस तो हमने देख ली, उनके बीच में रिलेशंस भी देख लिए, उनके बीच में जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ के रिलेशंस हैं वो भी हमने देखे। अब रियल गैसेज क्या हैं? तो रियल गैसेज हैं, द आइडियल गैस लॉ इज़ एन अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ गैसेज। तो जो आपका आइडियल गैस लॉ था वो तो यही डिफाइन करता है, क्योंकि आपकी सारी कंडीशंस वहाँ पे क्या है, आइडियल, वहाँ पे आपके जो भी बिहेवियर होगा गैसेज का वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। वहाँ पे आपके कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होंगे, आपके पर्टिकुलर मासेज का कोई वॉल्यूम नहीं होगा जो आपके मोल्स हैं उनका, बट एक्चुअल में एट हाई डेंसिटीज दैट इज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ एक्चुअल एंड रियल केसेस डेविएट फ्रॉम दैट प्रेडिक्टेड बाई आइडियल केसेज इन जनरल एट सफिशेंटली लो प्रेशर और एट लो डेंसिटी ऑल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैस। दैट मीन्स अगर यहाँ पे डेंसिटी आपकी बहुत कम है, जैसे एक बड़ा स्पेस है और आपका टेम्परेचर है वहाँ पे, वो प्रेशर भी आपका वहाँ पे कम होगा क्योंकि स्पेस आपका ज़्यादा है और गैस का वॉल्यूम वहाँ पे कम है। तो गैस अगर कम है और आपके पास ज़्यादा स्पेस मिल रहा है तो वो गैस भी आपकी कैसे बिहेव करती है, मोस्टली 100% नहीं करती बट मोस्टली आपके आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया तो दोनों चीज़ें उसके अंदर अप्लाई हो सकती हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर फोर्स भी नहीं होगा क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, स्पेस ज़्यादा है गैस की क्वांटिटी वहाँ पे कम है, टेम्परेचर वहाँ पे कम है, प्रेशर वहाँ पे कम है। तो दैट मीन्स लो प्रेशर के ऊपर अगर आपकी गैस है तो वो क्या करेगी, बिहेव लाइक एज एन आइडियल गैस, बट एट हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर।